तो आप देख सकते हैं कि मौसम का हाल यहाँ पहाड़ का। ये हाल लारे के मामा जी ककड़ी के और मामी मसाला पीस रही है यहाँ पर। ये रख दिया है चूल्हे में। अभी वाली चीज़ जो है ना, इसके बीच बीच में जो होता है, यह है चौक का चाहिया। ये देखिए दोस्तों। ओ गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे आप सब। मैं करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज का ब्लॉग दोस्तों मॉर्निंग से स्टार्ट कर लिया है और टाइम हो गया है 7:30। और मम्मी धो रही है आज भुज्जी, बहुत बढ़िया हरी सब्जी। तो दिखा देता हूँ मैं आपको हरा साग क्या है। और ये धोई जा रही है पानी में, क्या है ये, मूली, मूली के पत्ते और मूली के पत्ते और चौलाई, चौलाई है चूहा, तो चूहा जिसको बोलते हैं। तो उसकी धुलाई हो रही है, उसकी सब्जी बनेगी, तो आपको दिखाएंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, वो है खेत में काम कर रही है, लगी रहती है नानी यहाँ पर काम पे अपना। और मिर्च की गुड़ाई कर रही है, मिर्च लगा रही है ना। तो आप देख सकते हैं कि मौसम का हाल यहाँ पहाड़ का। मौसम काफ़ी साफ सुथरा हो गया है और धूप आ गई है, कड़क वाली कड़क धूप लग गई है। बाकी धूप कहीं कहीं आ रखी है, उधर वहाँ पलछाल ढंगोली खोली नहीं आ रखी है, और इधर तको से खोली भी नहीं आ रखी है। धूप यहाँ पर आ गई है, धूप इस जगह में। ठीक है दोस्तों, तो आगे आपको दिखाते रहेंगे, आप वीडियो बने रहना। और वीडियो को दोस्तों प्लीज़ भी स्किप ना करना और वीडियो को फुल वॉच करना। और चलो दोस्तों चलते हैं, फिर आपको दिखाएंगे आगे की तरफ क्या क्या होता है आज की एक्टिविटी। अभी हूँ यहाँ पर कमरे में, और यहाँ पर बनाएंगे आज लौकी की सब्जी। आज लौकी की सब्जी लगाएंगे। और तो शायद लग रहा है शाम के टाइम के लिए है, जो भुज्जी बननी है, जोड़ा साग बनने का शाम के टाइम का है। और अब बनाएंगे और शाम को बनाएंगे, मम्मी बता रही है। और हमें आती भी नहीं है काटनी, नानी ही काटेगी उसको प्रॉपर तरीके से, बड़े तरीके से। और अब बनाएंगे हम लौकी, तो लौकी सामने रखी है, लौकी बनाएंगे। ये दोस्तों मैं दो लौकी की सब्जी बनाएंगे बड़े करके। दारी वाली जो लौकी होती है ये बड़ी स्वादिष्ट और बढ़िया भी होती है खाने में, और जो वैसी वाली होती है उसमें स्वाद नहीं होता है, इसमें स्वाद अच्छा होता है। तो ठीक है दोस्तों। और ये भैया ने, मेरे भैया ने और पापा ने भेज रखी है काशीपुर से। उन्होंने कहा कि सब्जी उब्जी खाओ अपना, मजे से रहो, और ये सब्जी बनेगी। ठीक है दोस्तों, मलाई की और मूली के पत्ते हैं, तो उसको हम शाम को बनाएंगे। अभी बन रही है लौकी की सब्जी मॉर्निंग में। ठीक है दोस्तों, तो शाम को आपको दिखाएंगे कि चौलाई की सब्जी और कैसे कट रही है। ठीक है दोस्तों, आप बने रहना वीडियो में, और वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करना। दोस्तों मम्मी खोल रही है, यहाँ पर मामा जी ला रखे हैं थैला कुछ, और दिखा दे मम्मी क्या क्या है इसमें। लीची दिखा दे, लीची और मिठाई दिखा दे, हाथ दिखा दे एक बार फ्रेंड ने, दोस्तों मेरे दोस्तों को दिखा देना। अरे अरे क्या कर रही है, दोस्तों को दिखाना चाहिए ना क्या क्या मिलता है पहाड़ों में। देखो ये देखो दोस्तों, ये लीची है ला रखी है। ठीक है, ये थी भमराई तो मायके में, तो कंदारी दीदी जो है वो लेके आए थे, तो ये मिठाई भी ला रखी है वहाँ से। ठीक है दोस्तों, तो पहाड़ों में ऐसे ही मतलब बांट देते हैं, मतलब आपस में करते हैं, तो यहाँ का ऐसा भी वो सिस्टम है पहाड़ों का। ये है ला रखे मामा जी ककड़ी के और लौकी के म्याले। म्याले मतलब बीज, बीज है नहीं, उसको बीज बोलते हैं हमारी भाषा में, म्याले बोलते हैं। ककड़ी के और लौकी के म्याले हैं दोस्तों। दोस्तों मैंने जो लौकी है वो छील ली है प्रॉपर तरीके से, इसका सारा भार का निकाल लिया है। ये देखिए, ये बड़े करके निकाल दिया मैंने इसका छिलका उलका जो भी है, तो इसको अब मैं कटिंग करूँगा। ठीक है दोस्तों, तो आज बनेगी लौकी की सब्जी। और मम्मी का दवाई खाने का टाइम हो रहा है, तो इस वजह से जल्दी जल्दी काम चल रहा है यहाँ पर सब्जी बनने का। ये दोस्तों मैंने कटिंग कर ली है ये लौकी की बड़े करके, और बाकी ये रखा हुआ है छीमी, पहाड़ी छीमी है, इसको भी डाल देंगे इसमें काट के बारीक करके। ठीक है दोस्तों, तो ये सब्जी रख दी है हमने चूल्हे में, चढ़ा दिए, और इसको बनाएंगे, बन रही है, इसको ढक देंगे। तो कपड़े धुल गए हैं बढ़िया करके, ये कपड़े टांग रखे हैं आप देख सकते हैं ऊपर सारे टांग रखे हैं, तो ये मैंने धोए हैं सारे कपड़े, मम्मी ने यहाँ पर टांग दिए सारे कपड़े सारे के ऊपर। ठीक है, खाना वाना हो गया है दोपहर का भी, और मॉर्निंग का भी नाश्ता कर लिया था हमने, और बाकी ये बर्तन धुल गए हैं सारे, वो बर्तन वर्तन रखे हुए साथ, और ये छोटू यहाँ लेटा हुआ है खाट के नीचे। ठीक है, नहीं कर रही है तैयारी भुज्जी बनाने की, और नानी यहाँ रसोई में है। बाकी एक साइड का तो खाना हो गया है एक टाइम का, और दूसरे टाइम का चालू हो गया बनना, नानी बना रही है यहाँ पर भुज्जी। ये दोस्तों नानी ने यहाँ पर पूरी भुज्जी काट ली है यहाँ पर। ठीक है, मूली की है और चौलाई है, ये पत्ते हैं, तो सारे उड़े काट काट उठ के सारा इसमें रख लिया बाल्टी में,
धुल गए बटे करके। तो नानी मसाला पीस रही है, यहाँ पर मसाला पीस रही नानी। ये देखो दोस्तों, अब तैयारी कर रही है यहाँ पर नानी। एक साइड का हो गया है, अब दूसरे टाइम का खाना चालू हो गया है। और गाँव में दोस्तों ऐसे होता है पहाड़ों में, और लगी हुई है नानी अब पीसने पे। ये सिलबट्टा देखो, पहाड़ी सिलबट्टा है, और वो देखिए द्वाड़ जिसको बोलते हैं हम। आलू भी भिगा रखे हैं, रात को इसमें नमक डाल दिया था, पानी भिगा दिए हैं मंगे में। ये देखिए छोटे छोटे आलू दिख रहे होंगे आपको दोस्तों। नानी बिल्कुल मतलब खींच के इनको कूट के बढ़िया करके ऐसे बना लेंगे फिर सब्जी में, सब्जी बढ़िया बन जाएगी फिर। देखिए छोटू देख रहा है बार बार, मुझे देख रहा है बार बार, वो सोच रहा मुझे कुछ खाने को देगा ही, और मेरे पास अभी है नहीं कुछ खाने के लिए। और शाम का टाइम रहेगा तो यहाँ पर फिर खिलाएंगे उसको, है ना। तो दोस्तों नानी ने कर दिया कुटाई, देखो आलू की बढ़िया करके आपको दिखा देता हूँ बैक कैमरे से। नानी ने कुटाई कर दिया आलू की, कूट दिया बढ़िया करके, रख दिया है चूल्हे में। अभी आग जगाएंगे इसमें नानी, और पतले में डाल दिया ये मुझे, ये चूल्हा है पहाड़ी चूल्हा। अब जगाई जाएगी आग चूल्हे में, जलाई जाएगी। इसको थोड़ा सा बॉयल भी करना होता है, तभी जाके ये सब्जी अच्छी बनती है। भुजी जो होती है ना, हरी सब्जी तो बढ़िया बनती है। ये देखिए, ये ले लिया नानी ने छिल्ला, इसको छिल्लू बोलते हैं यहाँ पहाड़ में। ये बहुत ज्वलनशील होता है, इस पर आग बड़ी जल्दी लगती है, और इसी से आग जलाई जाएगी चूल्हे में। तो दोस्तों मौसम का आप हाल देख सकते हैं यहाँ पहाड़ों का। बाकी यहाँ पर धूप कुछ आ गई है, धूप नहीं आ रही बिल्कुल भी। और वहाँ देखिए उसकी तरफ, वहाँ पर देखिए गांव में कितनी बढ़िया धूप खिली हुई है, और यहाँ पर धूप नहीं है बिल्कुल भी। और मौसम बिल्कुल गर्म सा हो गया है, और लग रहा है बारिश आने की पूरी संभावना है। तो बारिश भी आ सकती है, अगर बारिश हो जाएगी तो मौसम बहुत ठंडा हो जाएगा यहाँ का, कूल कूल। यहाँ पर जगा दी है आग बढ़िया करके, पतली बन गई है बुज्जी, आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया आग जल रही है पहाड़ों के चूल्हे में। देखने में कितना बड़ा लगता है ना, ये जल गई आग बढ़िया, और यहाँ आके बड़ा खतरनाक धुआं, अब बाहर जाना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, मैं शाम का टाइम इवनिंग के टाइम पे घूम रहा हूँ, और मम्मी भी है, मम्मी पीछे बैठ गई है, और मैं आगे की तरफ आ गया हूँ थोड़ा सा। और ये है दोस्तों सिमाखोली रोल, इसको सिमाखोली रोल बोलते हैं। और यहाँ पर थोड़ा घूमने आए थे, टहलने आए थे, तो इवनिंग का आपको पता ही है यहाँ पर थोड़ा घूमना अच्छा लगता है ना शाम के टाइम। और मौसम भी काफ़ी ठंडा हो गया है, और थोड़ी हल्की हल्की बूंदाबांदी भी हुई थी यहाँ पर, तो अब मौसम काफ़ी बेहतरीन हो गया है, पहाड़ों का ठंडा भी हो गया ना। वो छोटू को ये है मेरे साथ, मम्मी के साथ हमेशा रहता है, 24 घंटे हमारे साथ रहता है ये। और शाम के टाइम जब हम दूर जाते हैं मामी और के घर पे, है तो कुत्ता है मामी और का, पर जाते हैं तो वहीं इसको फिर बांध के आ जाते हैं, क्योंकि यहाँ जंगली जानवरों का डर है और पहाड़ी एरिया है, तो इसलिए डर लगती है यहाँ पर। इस जगह को बोलते हैं सिमाखोली रोल, तो मैं सिमाखोली रोल पे हूँ अभी, यहाँ पर खड़ा हूँ। तो शायद मैं यहाँ पर आया था टहलते टहलते, मम्मी ने कहा कि लिंगोड़े देख लेना, बट यहाँ लिंगोड़े नहीं है, क्योंकि रास्ते में है नहीं रोल, तो यहाँ से अक्सर लोगों की नज़र रहती है, पड़ी जाती है, और वो ले जाते हैं यहाँ से तोड़ के लिंगोड़े, तो इसलिए हमें यहाँ पर लिंगोड़े नहीं मिल रहे हैं। मुझे यहाँ पर ये मिला है, क्या बोलते हैं इसको, छूती, इसको छूती बोलते हैं हमारी भाषा में। वाली चीज़ जो है ना, इसके बीच बीच में जो होता है छूती के दाने होते हैं, मतलब एक ड्राई फ्रूट टाइप का होता है जिसके बीच में दाने होते हैं, वो आजकल मिल नहीं रहे, तो इसके अंदर लगे हुए होते हैं। तो दोस्तों मम्मी और मैं यहाँ पर सिमाखोली डैम में बैठे हुए हैं, और सिमाखोली डैम में दोस्तों हवा बहुत ही ठंडी और बढ़िया हवा चलती है, सुहाना मौसम हो रखा है यहाँ पर, यहाँ पर ठंडी हवा चलती है। और यहाँ पर एक चीज़ और भी है, यहाँ पर नेटवर्क भी अच्छा आता है ना मम्मी, नेटवर्क का बहुत अच्छा आता है यहाँ पर। जैसे कोई वीडियो लोड करनी है या वीडियो देखनी है, बहुत नेटवर्क आता है यहाँ पर, तो ये ढैया अच्छी है वैसे। देखिए दोस्तों हमारा छोटू देखो कहाँ बैठा हुआ है, बिल्कुल बड़े से पत्थर के ऊपर, और ये भी यहाँ पर हवा का आनंद ले रहा है हमारे साथ, ठंडी ठंडी हवा का। आप देखिए दोस्तों, इंसान तो ले रहा है मज़े यहाँ पहाड़ों के, अब कुत्ते भी मज़े ले रहे हैं पहाड़ों में,
ये देखिए हमारा डॉगी भोटू, इसको बोलो छोटू। तो देखिए दोस्तों पहाड़ों की बात ही अलग होती है दोस्तों। ये देखिए कितना बढ़िया लग रहा है ना भोटू हमारा छोटू, देखिए देखिए मुझे देख रहा है। हाँ देखिए मामा का मकान का काम चल रहा है, जयपुर वाले मामा जी का, और जैसे मैं बता रहा हूँ आपको, ये देखिए सारा फैला रखा है यहाँ पर मामी के घर पे। ये देखिए, ये देखिए, और मम्मी बता रही है चाहिए दरिया क्या चाहिए किसको बोलते हैं। तो चले दोस्तों चलते हैं, बताते हैं आपको चाहिए कि किसको बोलते हैं। दोस्तों इसको बोलते चाहिए दीवाल, और इसको बोलते दीवाल, दीवाल बोलते जिसको, और ये चाहिए होता है इसको। ये देखिए दोस्तों पूरा रख दिया, पूरा कर दिया आज। उसके बाद इस मकान का भी कार्य चालू हो जाएगा, अब इसका भी चन बनना चालू हो जाएगा मकान का। और बाकी आप देखेंगे तो चारों तरफ इस एरिया में पत्थर ही पत्थर हो रखे हैं पूरे के पूरे, आप देखिए इस एरिया में पूरा। ये देखिए तो ये पहाड़ी पत्थर है, पहाड़ के पत्थर ऐसे होते हैं। ये देखिए यह है चौक का चैया, ये देखिए दोस्तों दीवाल, इसको बोलते हैं दीवाल, और यहाँ बोलते हैं चैया।